उन्नाव मामले पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह भदौरिया और तत्कालीन एसओ और सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया है। कामता प्रसाद उस वक्त उन्नाव के माकी थाने के एसओ पद पर तैनात थे। 9 अप्रैल को बलात्कार पीड़िता के पिता की उन्नाव के एक अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शेंगर के समर्थकों के साथ झगड़ा करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे। सीएम योगी ने उन्नाव मामले पर एडीजी लखनऊ जोन को जांच करने और दोषी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। खबर है कि 3 अप्रैल को कुछ लोग पीड़िता के घर में घुस गए थे और वहां पीड़िता के पिता की जमकर पिटाई की थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के छोटे भाई अतुल और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए मां की पुलिस स्टेशन जाकर गुहार लगाई थी। आरोप लगाया गया था कि अतुल ने समूह का नेतृत्व किया और अपने सहयोगियों से परिवार पर हमला करने के लिए कहा था। 4 अप्रैल को हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अतुल का नाम इसमें शामिल नहीं था। मां की पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, 504 यानी शांति का उल्लंघन करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी के बाद पुलिस ने हिरासत में पीड़िता के पिता की क्रूरता से पिटाई की थी। इसके बाद उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया था, जहां कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल में भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसका भाई अतुल सिंह सेंगर 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में अब जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।